उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में डबल डेकर बस का एक्सीडेंट हो गया। बता दें, इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जिस बस का एक्सीडेंट हुआ वो डबल डेकर बस थी। घटना में 15 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि थाना लोनी कटरा के त्रिवेदीगंज क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह घटना हुई। ये डबल डेकर बस बिहार से दिल्ली आ रही थी। गंभीर रूप से घायलों को सीएससी हैदरगढ़ से 13 लोगों को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। इस दुर्घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और वहीं उन्होंने ट्वीट किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए गए। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्राप्त करें। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। और साथ ही आपको बता दें, 8 लोगों की मौत हुई है, 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 13 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बताई गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। डबल डेकर बस हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। बिहार से दिल्ली जा रही थी ये बस, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये भीषण हादसा हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हुआ है, 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। डबल डेकर बस एक्सीडेंट जिसका हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल और 8 लोगों की मौत, 13 लोग ऐसे जो घायलों में स्थिति जिनकी गंभीर बनी हुई है। और फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।